ओके ऑलराइट, सो आइए चलते एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इसको। तो ये हम लोग इसके जो 9 कीज है ना, इन 9 कीज को क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको नेम बोलना है, नेम का मतलब क्या होता है, नाम बोलना होता है। आप क्या बोलते हो, माय नेम इज अरुणा, करुणा, रूपम है ना, वैशाली है ना, कविता, सविता, नीता, सरिता, ठीक है, जो भी नाम है आपका, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, गंगा, गीता, गायत्री, गोपाल, गायत्री, चाहे जो नाम हो, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे डाल देना होता है, राइट। माय नेम इज बबली या आई एम बबली या दिस इज बबली, यस और नो। और उसके बाद नेम के बाद फिर आपको बोलना होता है नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब होता है दोस्त कहाँ के निवासी है आप, नेटिव प्लेस निवास स्थान। नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है, निवास स्थान। आप कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ के रहने वाले, तो आप बोलते हो आई एम, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, नेटिव ऑफ, निवासी रायबरेली, जगतपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, फैजाबाद, सलवन, रतासो, गेगासो, ऐसे करके बहुत सारे नाम होंगे ना, कहाँ के रहने वाले, कोई जगह होगा आपका, ठीक है, कानपुर, ठीक है, आई एम नेटिव ऑफ करके वो, या फिर आप बोल देते हो आई एम फ्रॉम रायबरेली, राइट, आई एम मैं हूँ, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, रायबरेली, आई एम फ्रॉम रायबरेली, मैं रायबरेली से हूँ, या आई बिलोंग टू, मैं बिलोंग करता हूँ, बिलोंग टू मतलब संबंधित होना, किसी से रिलेटेड होना, आई बिलोंग टू, मैं बिलोंग करता हूँ, कहाँ से, रायबरेली से। आप क्या बोलते हो, आई एम नेटिव ऑफ रायबरेली, या फिर आई एम फ्रॉम रायबरेली, अथवा आई बिलोंग टू रायबरेली। क्लियर, समझ आ रही है आप लोगों पे? ओके, तो चलिए भाई आप तीसरा पॉइंट देखते हैं, अकेडमिक क्वालिफिकेशन। अकेडमिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड, आपका स्कूल से रिलेटेड, अकेडमी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, क्या क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा, ठीक है, स्कूली शिक्षा क्या है आपकी, अकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो आपको देखना है। तो अकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसे बोलोगे, अच्छा आप लोग सभी स्टूडेंट हैं ज्यादातर, तो स्टूडेंट्स तो परसुइंग कर रहे होते दो चीज, या तो आप कोर्स कर रहे हैं, या तो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप पढ़ चुके हैं, यस और नो, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं तो आप बोलोगे आई एम, मैं हूँ, यानी क्या, परसुइंग, मैं परसू कर रहा हूँ, परसू करने मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ फॉलो करने मतलब नहीं, मतलब यहाँ किसी कोर्स को मैं कर रहा हूँ, राइट। आप बोल सकते हो आई एम परसुइंग, मैं परसू कर रहा हूँ, या आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, या आई एम अंडर गोइंग, तीनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट, मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इंटरमीडिएट, मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ इन साइंस स्ट्रीम, किस स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, साइंस साइड से, जो आप लोग बोलते हैं कौन साइड से, भैया साइंस साइड से हैं, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पर उसको स्ट्रीम बोला जाता है, धारा, किस में है हम, इन साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, जो आपका स्ट्रीम है वो चूज करोगे आप। कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम यूपी बोर्ड इलाहाबाद, यूपी बोर्ड इलाहाबाद से मैं कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग, और अगर मैं कर चुका हूँ, इफ आई हैव डन, तो क्या हो गया, आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम यूपी बोर्ड इलाहाबाद। गॉट इट, समझ रहे हो, समझ में आ गया सबका, समझ रहे हैं, ओके। अब चूंकि अगर आप स्कूल में असेंबली में बोल रहे हो तो आप ये तो बोलोगे, पर उसके बाद क्या होगा, आपको अपने स्कूल को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। द लवली नेम ऑफ माय कॉलेज इज दिस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस दिस इंस्टीट्यूशन, दिस कॉलेज, थोड़ा बहुत बोलना होगा, इस पर हम थर्ड पार्ट में ज्यादा डिटेल बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोस्त, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो आपको किसी पेशे में सेट करती है, आप किसी पेशे के लायक बनते हैं, पेशा मतलब प्रोफेशन, राइट। ये कौन कौन से क्वालिफिकेशन होते हैं, जैसे आपका हो गया कंप्यूटर का नॉलेज हो गया आपका, ठीक है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग का नॉलेज हो गया, राइट, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन की बात, कम्युनिकेशन की क्लास लेते हैं, ये हो गया आपका, सेलिंग स्किल्स की क्लास लेते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, समझ रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करते हैं, सब क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपको प्रोफेशन में डालते हैं, इसको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत भी रखा जाता है, राइट। तो ये आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं, इसको कैसे आप बोलोगे, आप बोलोगे ये सेम कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम परसुइंग कंप्यूटर डीसीए कोर्स, आप परसुइंग डीसीए कोर्स फ्रॉम जिस इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो, वो आप बोल सकते हैं, जो आपका इंस्टीट्यूशन है जिससे आप बोल रहे हैं उससे आप कर सकते हैं, उससे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये लगा सकते हो आप पर, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कहां से, फ्रॉम टीसीसी सलोन, टीसीसी बोले तो आवाज नहीं आया, टैंस कंप्यूटर सेंटर, यस एग्जैक्टली, टैंस कंप्यूटर सेंटर सलोन, राइट। और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टीसीसी सलोन, यानी टैंस कंप्यूटर सेंटर सलोन, यस सिंपली अगर बोलना है आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव, तो आपको अपना अनुभव बताना होता है, चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अभी फ्रेशर हैं, आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रेशर बट आई एम गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी, मैं अपने पढ़ाई का अनुभव ले रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई का अनुभव ले रहा हूँ। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपको अपने परिवार के बारे में बताना होता है, यहाँ पर फैमिली का बैकग्राउंड देना होता है, हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, राइट। तो यहाँ पर है जैसे देयर आर 70 मेंबर्स, ओ कितने 70 मेंबर्स, किसी के परिवार में है क्या इतने, वो मैंने आपको बस खुश करने के लिए लिख दिया यहाँ पर 70 मेंबर्स, नंबर ऑफ द मेंबर आपको चूज करना है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, How many people are there in your own family? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं वो आपको चूज करना है, राइट, यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू चूज। तो आप बोलोगे देयर आर 10 मेंबर्स, देयर आर 8 मेंबर्स, देयर आर 9 मेंबर्स, देयर आर 6 मेंबर्स, कहां, इन माय लवली फैमिली, मेरे प्यारे परिवार में, मेरे अच्छे परिवार में, माय लवली फैमिली, मेरे लवली फैमिली में, अच्छे फैमिली में, गुड फैमिली में, प्रॉस्परस फैमिली में, ठीक है, वहां पे इतने मेंबर्स हैं। फिर आपको बोलना होता है मिस्टर एक्स, बोले तो आपके डैडी, आप अपने अपने डैडी का नाम डालेंगे, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया है, राइट, अदरवाइज आप जो कुछ और बोलेंगे तो फनी हो जाएगा और उनको फनी नहीं बनाना है, राइट। तो क्या करना है, मिस्टर एक्स इज माय फादर, मिस्टर रघुवीर, मिस्टर रणवीर, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर ऐसे करके, यस और नो, इज माय फादर, ही इज क्या है, वो एक्टर, बिजनेसमैन, टाइकून, भाई What is your father, right? आपके पापा का प्रोफेशन क्या, क्या करते हो, प्रोफेशन बोलना है यहाँ पे। उसी तरीके मिसेज वाई, मॉम का नाम यहाँ पे डालना है, इज माई मदर, मिसेज वाई शकुंतला, यमुना, गंगावती, जमुनावती, जो भी नाम है, तो मिसेज जमुनावती इज माई फादर मदर, राइट, एंड शी इज, वो क्या है, हाउस वाइफ, इस डॉक्टर आइन, जो डॉक्टर है या टीचर है, यस और नो, तो कोई ना कोई प्रोफेशन में तो होगा, और नहीं है तो फिर सिंपल हाउस वाइफ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं, उसके बाद इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, देखिए एक तो पहला तरीका ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि देयर आर 70 जो मेंबर्स, वैसे करके आप यहां करके फिनिश करते हैं।